जाट मरा तब जानी। हरा भाई जोग तो दोस्तों आज की वीडियो ब्रेन डिमांड चैनल पर बहुत ही खास होने वाली है, तो इसी वजह से आप लोगों से कहूंगा वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यहां पर आज कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद ही आज तक किसी यूट्यूब चैनल पे हुआ होगा। क्योंकि यहां पर आप लोग देख रहे होंगे तीनों के तीनों हमारे जो टीम मेंबर हैं, एक केशव महाराज, सचिन बघेल जो कि ज्यादा मुस्कुराते हैं आप लोगों, और हमारे जोशी साहब। तो यहाँ पे आज का जो आइडिया है काफी हटके है, इन्हीं के साथ हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या, थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, आज इन लोगों को करनी है एक्टिंग, और एक्टिंग के दौरान इनको दो बार चांस दिया जाएगा। पहले चांस में ये अपने दिमाग से जो भी इनको सबसे बेस्ट एक्ट लगता है उसको एक्ट करके दिखाएंगे, मतलब उस डायलॉग को यहाँ पे बोल के दिखाएंगे फीलिंग के साथ, इमोशंस के साथ। और दूसरा जो चांस रहेगा उसमें हम लोग इनको एक डायलॉग देंगे बोलने के लिए, और उसके ऊपर इसको इनको एक्ट करना है, कौन कितनी अच्छी तरह से कर पाता है या कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और इस चीज का फैसला भी आप लोगों को करना है, यानी कि इसका जो मतलब किसने कितनी अच्छी एक्टिंग की है वो ऑडियंस डिसाइड करेगी। तो आप लोगों से कहूंगा इनकी एक्टिंग को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि किसने अच्छी एक्टिंग की है और किसने बेकार की है, कौन सा किस तरह का एक्टर बन सकता है, इस चीज का डिसाइड आप लोगों को करना है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए करते हैं सीधा वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को सभी को पता होगा ये हमारे केशव महाराज हैं, ये हमारे जोशी साहब हैं, और ये हमारे बघेल साहब हैं। तो केशव महाराज ने कहा कि पहले एक्टिंग मैं करूंगा, तो इसके लिए माइक देते हैं इनको। जोशी साहब माइक अपना दे दो। सीन वन टेक वन स्टार्ट। जाट मरा तब जानी। नहीं। दोस्तों आप सभी लोगों को बताऊं, जहाँ पे एक्टिंग होती है वहाँ पे पूरी के पूरी भीड़ होती है। एक्टर का काम यह होता है कि भीड़ को नेगलेक्ट करके अपना जो डायलॉग है उसको बोले। तो यहाँ पे कोई कितना भी बोले, क्योंकि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो मेरे सामने कोई हंसे या बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मैं अपना इंट्रो देता हूँ या आउट्रो देता हूँ, हालांकि मैं एक्टर नहीं हूँ। बस बस भाई, तो ए सीन वन टेक टू स्टार्ट। जाट मरा तो ये या यू। तो भाई साहब एक और ट्विस्ट ऐड करते हैं, क्योंकि इस तरह से काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पे हम जो ये टेक है, जैसे इनके दो टेक कंप्लीट हो गए तो पांच टेक दिए जाएंगे, पांच के बाद इनको हटा दिया जाएगा कि ये घटिया एक्टर है उसका खिताब देकर, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो दो टेक आपके हो गए, अब टेक थ्री हो गए। सीन वन टेक थ्री स्टार्ट। जाट मरा तब जानियो जब तेरवी हो जाए। आई बात समझ में कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारे जो केशव एक्टर हैं उनका कंप्लीट हो गया है, केशव सुपरस्टार बोल दूं ठीक रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सेट करते हैं बघेल साहब को। बघेल साहब मतलब कि सचिन सुपरस्टार है आज, बघेल साहब नहीं है। तो सचिन सुपर साहब आप तैयार हो? तो यहाँ पे सीन टू टेक वन। सीन टू टेक वन एक्शन। धारा भाई जोगिन। भाई ये नहीं ये फेल हो गया ढंग से। क्या गालियां? ये अच्छा, गालियां नहीं, नहीं 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 ये तालियां नहीं हुई इसके। मैं काय की ना कर ले काट दूंगी। चल हां हां काय की भी ठीक है। अरे कहां के हो? हां हां सीन टू टेक टू। हां सीन टू टेक टू। हां हां सीन टू टेक टू एक्शन। ये किसकी एक्टिंग है? किसकी एक्टिंग? एक आदमी चले ये ऐसे कौन सो हमारे गांव में जो करते। चलो आपका ये कंप्लीट है क्योंकि ऑडियंस के ऊपर है, तो आप एक बार फिर से चल के दिखाओगे? तो आप एक बार फिर से देख सकते हो। सीन थ्री टेक वन स्टार्ट। दोस्तों मेरे चाचा को किडनी। यार सीन वन आउट हो गया। टेक वन डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए टेक टू स्टार्ट करेंगे। बघेल साहब डोंट लाफिंग। ए ना पलंग भेज भैया, आप भीतर जाओ, दोनों जने भीतर जाओ। तो यहाँ पे हंसने वालों को हटा दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से जोशी साहब सबसे अच्छा एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सीन थ्री टेक टू स्टार्ट। एक्शन कहना था ना, एक्शन। दोस्तों मेरे चाचा को किडनी का टीबी हो गया है, वो जो है वो बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, और हमको खांसी का अल्जाइमर हो गया है, हमको जो है
हमको जो है दिल्ली जाके और सीपी में नाचना है दोस्तों। हमारे चैनल को सपोर्ट करो दोस्तों। ये जो एक्टिंग में कर रहा हूँ ये दबाव में बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों मेरे को खांसी भी है दोस्तों। मेरा चाचा कल परसों भूख प्यास से खांसी हो गया था दोस्तों उनको। दोस्तों कंप्लीट कंप्लीट दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इस चीज का फैसला आप लोगों को करना है कि जो फर्स्ट राउंड था उसमें कौन सा विनर है और कौन सा लूजर है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन जीता है कौन हारा है। दोस्तों इसके बाद जो सेकंड चांस है वो उनको देते हैं एक एक करके। वही हमारा अरेंजमेंट रहेगी जो पहले हमारा केशव महाराज, और डायलॉग बताऊंगा मैं। अब डायलॉग काफी फनी रहेंगे और मैं मूवी वगैरह में से ही लूंगा ज्यादातर, वैसे कोई नहीं लूंगा, या फिर रील वगैरह में तो कहीं से भी ले सकता हूँ, वो डिसाइड नहीं करता। और उनको उनकी फीलिंग भी लेनी पड़ेगी, जैसे जिस तरह से एक्ट करना उसी तरह का इनका नेचर होना चाहिए। या फनी है तो फनी और सीरियस है तो सीरियस, और अगर इमोशनल है तो इमोशनल। तो यहाँ पर देखते हैं केशव महाराज कम इन। तो दोस्तों यहाँ पे केशव महाराज को एक डायलॉग बता देता हूँ, आप सभी लोगों को पता चल जाएगा उसके बारे में। तो सन्नी देओल का एक डायलॉग है जो कातिया फिल्म में उन्होंने कौन सा था वो डैनी के सामने कहा था। अरे नहीं, मर्द बनने का इतना काट रही हूं, ये नहीं, वो मर्द बनने का इतना ही शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। हाँ। तो वो डायलॉग आपको रिपीट करना है यहाँ पे, और आपका सीन स्टार्ट होता है अब। कर लोगों को जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है, मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। बॉय वाह, इस बार फीलिंग भी दोस्तों आप लोगों को फीलिंग और सब कुछ मजेदार था, काफी बेहतरीन डायलॉग बोला है इन्होंने। अब उसके बाद नंबर आती है बघेल साहब की। बघेल साहब कम इन। तो बघेल साहब आपको बोलना है ओम फो वाला डायलॉग। सॉरी आप सचिन सुपरस्टार है आज, तो आपका सीन वन टेक वन स्टार्ट। ओम अगेन 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 सीन टू टेक वन। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो भी इन्होंने एक्ट किया काफी अच्छा था, काफी बेहतरीन था इनके हिसाब से। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमारे जोशी साहब का नंबर आ चुका है, और जोशी साहब से काफी सारी उम्मीद है, तो इसी वजह से मैं एक डायलॉग ढूंढ के लाया हूँ जो कि दिलजले फिल्म का है, अमरेश पुरी का डायलॉग। तो देखते हैं वो इनकी मतलब जो ये है वो उनकी फीलिंगों में घुस पाते हैं, उस तरह का एक्ट कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि ये काफी मजेदार होने वाला है। डायलॉग कौन सा है आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा, आप लोगों को भी और हमारे जोशी साहब को भी। डायलॉग है जो दिलजले फिल्म में अमरेश पुरी कहता है कि आतंकवादी की कोई प्रेम कहानी नहीं होती, उससे पहले आपको लगाना है लाले यहाँ पे तो सभी दिलजले हैं। ये दो चीज मिक्स करके आपको बोलनी है। अच्छा, पहले बोलना लाले यहाँ पे सभी दिलजले हैं। ओके। और आतंकवादी की कोई प्रेम कहानी नहीं हो तो उसके बाद हंसना है। ओके। जैसे अमरेश पुरी हंसता है। ठीक है, मैं जो है तो दोस्तों करेक्ट यहाँ पे जोशी साहब करेक्टर में घुस चुके हैं, कैमरा की तरफ देखो। ठीक है, सीन वन टेक वन स्टार्ट। लाले यहाँ तो सभी दिलजले हैं, आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती। अरे लाले यहाँ तो सभी दिल जले हैं। चलो कोई नहीं, हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने देखा एक्टिंग का जलवा हमारे तीनों सुपरस्टार का, सचिन सुपरस्टार, जोशी सुपरस्टार और यहाँ पे केशव सुपरस्टार। अब इनमें से कौन सुपरस्टार बनेगा ये कमेंट सेक्शन डिसाइड करेगा। तो आप लोगों से कहूंगा कमेंट सेक्शन को भर डालो जितना हो सके। नहीं जो सब बिल्कुल बिल्कुल तो बताइए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखो लाइक एम हमने 1000 रखा, 10000 रखा, मैं सिर्फ लाइक रख रहा हूँ 10 10 फिर उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद इस वीडियो को आएगा पार्ट 2 जिसके अंदर अभी हमने की है सिर्फ एक्टिंग, एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे 10 लाइक पे। भैया सिर्फ 10 लाइक बोल रहा हूँ, शॉर्ट फिल्म, एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे 1-2 मिनट 3-4 मिनट की, जहाँ पे सारे जो ये है सुपरस्टार, पुनीत सुपरस्टार का भैया, चाचा का लैया, ठीक है, सब अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। तो बाकी भैया बताते हैं। तो ठीक है दोस्तों यहाँ पे अंधेरा ज्यादा हो गया, मच्छर काफी खा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनल ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।